हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ लास्ट 24 दिन में आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन के ऊपर कितना और काम हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन और इस साइड में है तीनों रैंप। तो सराय कालेका की साइड से जो ट्रैफिक आएगा, जो इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेगा उसके रैंप के ऊपर, यहाँ पे सब ग्रेड का काम हो गया है और आगे की साइड में ब्लैक टॉप का काम स्टार्ट हो चुका है। और नोएडा की साइड से जो ट्रैफिक आएगा या जाएगा उसके रैंप के ऊपर भी अभी सब ग्रेड का ही काम हुआ है। और सराय कालेका की साइड में जो ट्रैफिक जाएगा उसके रैंप के ऊपर भी अभी सब ग्रेड का ही काम हुआ है। और यहां से आगे की साइड में फ्लोरिंग का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है वो है साइड में पैरापेट वॉल का और बीच में डिवाइडर बनाने का। तो यहाँ पे देख सकते हो पैरापेट वॉल के फ्रेम को हटाने का काम चल रहा है। तो इस फ्लाईओवर की लेंथ होगी 1.4 किलोमीटर की और लास्ट टाइम इस वाले एरिया में फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार देख सकते हो यहां पे फ्लोरिंग का काम हो चुका है। और आगे की साइड में आने के बाद में ये देख सकते हो यहां पे इस वाले एरिया में फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। लास्ट टाइम की अपडेट यहाँ की ये थी। तो लास्ट 24 दिन में यहाँ पे इस साइड में फ्लोरिंग का काम हो चुका है और इस साइड में अभी फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अभी गर्डर्स को ही रखा गया है और यहाँ से आगे की साइड में होगा रैंप और सामने की साइड में है आश्रम का पुराना फ्लाईओवर जिसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे नए फ्लाईओवर और पुराने फ्लाईओवर के रैंप्स को मिला दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं होगा। इस नए फ्लाईओवर के बन जाने से नोएडा से साउथ दिल्ली जाना पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा और जिस ट्रैफिक को सरिता विहार या फरीदाबाद की तरफ जाना होगा वो इस फ्लाईओवर का यूज़ नहीं करेगा। और ये है आश्रम का मेट्रो स्टेशन। तो आप सबको क्या लगता है ये फ्लाईओवर कब तक बनके रेडी हो जाएगा? तो बस यहीं पे खत्म करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक देना और चैनल को करना सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में।